अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे। अच्छा गाइस, आज बनाने जा रहा हूँ मैं केच। डिस्कशन की थी कि मुझे उसके लिए कोई सजेशन दे, तो वो आज बनाने जा रहे हैं कंप्लीट उसको। और उसमें क्या करना है कि मुझे एक सजेशन मिला दोस्त से कि उसने कहा कि उसके ऊपर इंटर लगा दो, तो उससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगा। शापर लगा के उसके ऊपर इंटर लगा दो, तो मैं कहा इंटो हैं इतनी ज़्यादा वजनी हो जाएंगी उसके ऊपर, तो फिर उसी से फिर आइडिया उसके मिला के इसके ऊपर एक इंटों की बाउंड्री बना के उसके अंदर सारा मसाला जो है बजरी वाला मसाला वो भर दिया जाए, नीचे शॉपर लगाओ, तो फिर जो है ना ये कहीं नहीं जाने लगा, पानी भी नहीं जाएगा और मौसम तेज़ में ख़राब भी नहीं होगा। तो मटेरियल सारा आ गया, अभी बस स्टार्ट करना है इसके ऊपर काम। मौसम भी आज दिन में ठीक रहा, तो अभी आएगा ठंडी हुआ है, तो बस आनी घंटे डेढ़ दो के अंदर काम जितना होता वो करेंगे, बाकी कल फिर इसको मुकम्मल कम्प्लीट कर लेंगे। पहले इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी सफाई, कि ये जो चीज़ें ऊपर वगैरह पड़ी हैं और या छोटा मोटा जो सामान पड़ा वो उसमें से उतार लेते हैं कुछ। ये शॉपर जो पहले वाला है इसको उतारने की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ से उतारा गया, और इस तरह छोटी छोटी सफाई करके उसके बाद फिर अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो जी ये हो गई सफाई, इसकी क्लियर हो गया, ठीक है, ऊपर सारा कुछ उतर गया। अब ये सिर्फ छत है, इसके ऊपर अब हमने वर्क करना है। और सेकेंड ये शॉपर भी मैंने काट लिया जो ऊपर डालना है, और ये प्लास्टिक की शीट्स मेरे पर पड़ी हुई थी तो इसको मैंने काट लिया दरवाजे के साइज़ के, तो दोनों तरफ से दरवाज़ों के इसको भी लगा देंगे। अब पहले शॉपर लगाते हैं केज के ऊपर, फिर उसके ऊपर जो है शॉपर और प्लास्टिक को एडजस्ट करके एक एक दो दो कील लगाने के बाद ऊपर से ईंटों के साथ, ठीक है, वो बॉर्डर बनाते हैं, वो मसाला उसका तैयार करना है, उसको भी लगाते हैं, और शॉपर पहले और प्लास्टिक इसको एक दफ़ा एडजस्ट कर लेते हैं, फिर अगला काम करते हैं। एक साइड से मैं शॉपर लगाया उसको, अब ये दूसरी साइड से लगा रहा हूँ, ठीक है। और अरे यार शॉपर छोटा हो गया, चले कोई टेंशन नहीं, मेरे पास और शॉपर पड़ा हुआ है, उसका एक पीस कट के यहाँ पे लगा लेंगे, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। चलो एक छोटा पीस काटते हैं जो इसी से भी आ जाए, फिर उसके बाद उसके ऊपर लगाते हैं दूसरा प्लास्टिक। देखा शॉपर और प्लास्टिक शीट लग गई है, और उसका टेम्परेरी लुक ये देखें, ठीक है, ये शॉपर आ गया इसके ऊपर सारा, और यहाँ से जो है ना साथ साथ सेटिंग इसकी होती जाएगी, और ये प्लास्टिक शीट आ गई। प्लास्टिक की चौड़ी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये घर रफ पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे ईंटें बाउंड्री बनती जाएगी ईंटों की, और इसी स्ट्रेट आगे, और फिर वहाँ से कर्व, और जो दरमियान वाला एरिया होगा उसके अंदर सारा हम बजरी का मसाला डाल देंगे, उससे शॉपर जो है प्लेस हो जाएगा और सिक्योरिटी भी मुकम्मल हो जाएगी, बारिश वगैरह से ख़राब भी नहीं होगा। तो पहले मसाला बना रहे हैं, मुझे ख़ास बनाना नहीं आता लेकिन कोशिश करते हैं मसाला बनाने की, कि देखो फिर कैसा बनता है क्या बनता है। लेकिन उससे पहले मैं कबूतरों को दाना दे दूँ। जी कबूतरों का दाना आ गया, अब इनको पहले दाना दे दें, एक बीमार हो गया था उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया इनसे सेपरेट, ये खाना शुरू करते हैं और फिर हम अपना बनाते हैं मसाले का काम शुरू करते हैं। तो जी मसाला तो हमारा हो गया रेडी। भाई मैं सबसे पहले ना मिस्त्री भाइयों से माजरत करना चाहूँगा, भाई मैं कोई प्रोफेशनल नहीं, हाँ कोई गलत मदद बना रहा हूँ तो इसमें ना गुस्सा ना कर जाना भाई, मेहरबानी। तो इस तरतीब में ईंटें लगेंगी, इनके नीचे मसाला अभी तो कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ईंट रखे, मसाला लगेगा दबार सा मसाला लगेगा, ऐसे सारा ऐसे चार साइड बन जाएंगी अब इसकी, उसके दरमियान में फिर जो है वो दूसरा मसाला भर के सीमेंट वाला वो लगाएंगे, तो अल्लाह का नाम लेके करते हैं काम इसका शुरू। हाँ जी गाइस, तो रात जो है देर हो गई थी एंड वीडियो शूट नहीं की, तो काफ़ी हद तक काम मतलब कि जो उसकी बाउंड्री क्रिएट करनी थी वो हो गई थी, तो अब जो उसके अंदर की फिलिंग है वो कंप्लीट करनी है। बाकी बाउंड्री मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उसको कैसे कवर किया, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखें, ये चार दीवारी तो हो गई थी, तो पूरी पूरी की इतनी ख़ास नहीं है, तो इसको कंसीलर करते हैं। ये देखें, अब इसको पानी लगाते हैं थोड़ा सा ताकि ये यहाँ से वेट हो जाए। ठीक है, ये चार दीवारी यहाँ से मुकम्मल हो गई थी, ये पक्का हो गया काम। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा गीला है लेकिन काम पक्का हो गया। ठीक है, रात को देर होगी से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब इसके अंदर हमें डालनी है मसाला जो बना के दूसरा, ताकि ये जो जगह है ना मजबूत हो जाए और ये शॉपर भी यहाँ से हिले नहीं। तो उसके लिए मैंने बजरी, रेत और सीमेंट का जो है मिक्सचर बनाना है और वो इसके अंदर डाल देना, ताकि ये शॉपर का वेट बन जाए और नीचे पानी भी ना जाए। करते हैं फिर इसका काम स्टार्ट और उसके बाद फिर करते हैं इसको फिनिश। तो गाइस, फाइनली दो दिन की मेहनत के बाद हमारी केज की छत का काम जो है वो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी बर्ड्स हैं और कैट्स हैं उनको पानी से प्रॉब्लम नहीं होगा, कि जो बारिश का पानी आएगा वो नहीं इसमें जाएगा, वो यहाँ पर रुक जाएगा। ये मुकम्मल कवर्ड हो गया। ठीक है, दो दिन की मेहनत मैंने की है इसके ऊपर और ये बन गया। अभी गीला है थोड़ी थोड़ी जगह से, कहीं कहीं से सूख गया। शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये काम ख़त्म हुआ, शाम हो गई है। दो दिन काम मैंने किया है और अब पता चलेगा कि जब बारिश आएगी फिर ही पता चलेगा कि अब इसका क्या सूरत-ए-हाल होती है, कि इसमें पानी वाकई रुक जाता है कि नहीं रुकता। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितनी मेहनत की है, ऊपर से जो आइडिया यूज़ किया, अब इसमें बारिश का जो है ना वो इशू नहीं आएगा, ये कवर्ड हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया। दो दिन की मेहनत के बाद ये ब्लॉग हमारा यहाँ पर कम्प्लीट होता है और फिर मिलते हैं आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।